उत्तराखंड दिन भर में हम एक बार फिर हाजिर हैं प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों के साथ। पुरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश प्रदेश के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी पाकिस्तान के खिलाफ युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा ने नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। वहीं चंपावत में छात्र संघ के साथ मिलकर छात्रों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में किए जा रहे आतंकी हमले का जवाब भारत को देना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने नगर में व्याप्त कई समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को हाथी बड़कला चौक पर ही रोक दिया। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजधानी देहरादून में रसूखोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे रोकने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठा रही। इसलिए यूकेडी ने सरकार से प्रदेश की जनता को रसूखोरों के मकरजाल से बचाने की मांग की। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के सैकड़ों गुस्साए कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के घेरा डालो कार्यक्रम में भाजपा के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता हरीश रावत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले। रुड़की के तेलीवाला गांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले मेहंदी हसन की हत्या का खुलासा गंगनहर कोतवाली पुलिस ने कर दिया है। मृतक मेहंदी हसन का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई नबी हसन और उसकी पत्नी मोहसिना निकली। आरोपी नबी हसन और मोहसिना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतक मेहंदी हसन की पत्नी मोहसिना के अपने देवर नबी हसन के साथ अवैध संबंध थे। पिथौरागढ़ थाना कोतवाली के रई क्षेत्र में अश्लील हरकत करते हुए ये तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पकड़े गए लोगों में व्यक्ति देहरादून के गढ़ी कैंट का रहने वाला है, जबकि दोनों महिलाएं पिथौरागढ़ की ही रहने वाली है। पकड़ी गई महिलाओं में एक महिला की उम्र 30 साल और दूसरी की उम्र 19 साल है, जबकि व्यक्ति 40 साल का बताया गया है। उत्तराखंड दिनभर में आज इतना ही। आप इन सभी खबरों को विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।